सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल विड़ैच के मुताबिक शायद किसी को भी इस हकीकत से इनकार ना हो कि उल्लड़बाजी, गालियाँ, ताने, नारेबाजी और इंतहा पसंदी से मसाइल हल नहीं हो सकते। सियासतदानों ने अपना काफ़ी ठट्ठा उड़वा लिया, बोरानों के काबिल अमल और सब के लिए काबिल कबूल सियासी हल की तरफ आना चाहिए। कौमी असम्बली में इस वक्त सबसे बड़ा इख्तलाफी मसला इलेक्शन धांधली का है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान का ख्याल है कि इनकी पार्टी अक्सरियत से जीती और इसके साथ धांधली करके इनकी नशिस्तें कम कर दी गई। तहरीक अपना ये मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल लेगी और बलाकर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। सियासत के एक हकीर और अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरी राय है इस मामले की इंक्वायरी के लिए पार्लिमान की कुल जमाती कमेटी बन जाए, जिसका सरबराह मौलाना फजल रहमान को बनाया जाए। कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग के अरकान भी शामिल हों। मौलाना फजल रहमान की शख्सियत पर तहरीक इंसाफ और नून लीग का इत्तफाक आसानी से हो सकता है। मौलाना फजल रहमान तालिबान की तरफ झुकाव के बावजूद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। धांधली के मसले का हल अदालतों और इंतजामिया ने निकाला तो एक न एक फरीक को शिकायत होगी और वह फरीक इस फैसले को नहीं मानेगा और यूं ये मामला कभी हल नहीं होगा। अगर कौमी असम्बली कुल जमाती कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है तो इसका फ़ैसला सब के लिए काबिल कबूल होगा। माजी में नवाज शरीफ ने पानामा केस की इंक्वायरी पार्लिमानी कमेटी के पास ले जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से करवाने को तरजीह दी, जिससे जस्टिस खोसा को मौका मिल गया कि उन्होंने जायज़ नाजायज़ तरीके से नवाज शरीफ को नायल करार देने में लीड ले ली। और अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए यह फ़ैसला नाकाबिल कबूल होगा। गोया पर नाला वही रहेगा, हुल्लड़बाजी, शोर शराबा और गाली गलौज जारी रहेगा। महज़्ज़ब कौमें बोरानों का हल निकालती हैं, हमें भी अपने मसलों का हल निकालना चाहिए और फिर सबको ऐसे मानना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए आज का जो भी निज़ाम चल रहा है ये 1973 का आयन जो सारी जमातों ने कौमी असम्बली में बैठ कर तय किया था, इसीलिए इस आयन पर आज तक सबका इतफाक़ है। 18वीं तरमीम पर भी सब जमातों ने इतफाक़ राय किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी कौमी असम्बली में सब जमातों के इतफाक़ राय के बाद शुरू हुआ। इस बहरान का सियासी, जमहूरी और अवामी हल ना सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है और ना ही इंतज़ामिया। इसका हल सिर्फ और सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे और सब जमातों के अरकान इतफाक़ राय से निकाल सकते हैं। मेरी तजवीज़ है कि कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में स्पीकर कुल जमाती कमेटी का ऐलान करे। निज़ाम को चलाना है तो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इसकी तायद करें। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन इससे इतफाक़ करें। इस इकदाम से अहले सियासत और मुंतखब अरकान की साख भी बहाल होगी, मुस्तकबिल का रास्ता भी निकलेगा। पाकिस्तान में सबका इतफाक़ है कि ये मुल्क कैद आज़म और अलामा इकबाल का तोहफ़ा है। इन दोनों का भी सियासी और जमहूरी हल पर ही एतमाद था। कैद आज़म ने मुल्क के मुस्तकिल आइन पर मुदल्लल तकरीर असम्बली में भी की, फिर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हिंदुओं और अछूतों को भी अपनी काबीना में शामिल करके ये पैगाम दिया कि निज़ाम को सबको मिलकर चलाना है। अलामा इकबाल तो फलसफा यही है कि पार्लिमान को ना सिर्फ मुल्क के सियासी फ़ैसले करने चाहिए बल्कि वो तो कहते हैं कि इत्तेहाद जैसे खालसतन मजहबी फ़ैसले भी मुंतखब नुमाइंदों को करने चाहिए। गोया बानियान पाकिस्तान भी बोरानों से निकलने का हल पार्लिमान के ज़रिए ही समझते थे, हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। अगर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ये इकदाम ले लें तो मुल्क में यक लख सकून आ जाएगा और फिर हम मुआशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ सकेंगे। ये कमेटी बनाते वक्त सब जमातों के लिए इसके फ़ैसले को मानने का पाबंद भी बनाना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्ज़ाम दुरुस्त निकलता है तो शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम गलत निकलता है तो फिर इन्हें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम करना होगा। फ़र्ज़ करें कि यह बोरान हल नहीं होता तो इसी तरह हुल्लड़बाजी और शोर शराबा जारी रहेगा, ना कानून साजी हो सकेगी और ना पॉलिसी साजी। SIFC के फ़ैसलों को भी मुंतखब नुमाइंदों की तायद की ज़रूरत है। अगर ये तायद नहीं मिलती तो ना मईशत मुस्तहकम होगी और ना सियासत, और अगर सियासत मुस्तहकम नहीं होती तो बैरून सरमायाकारी कैसे होगी। हम पिछले कई माह से सुन रहे हैं कि मिडल ईस्ट से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी, अभी तक तो वहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिली। अगर मुल्क के अंदर मामला दुरुस्त ना हुए तो दुनिया में कोई भी हमें कुछ नहीं देगा। पहले हमें खुद कुछ करके दिखाना होगा, तभी हमारे दोस्त ममालक भी हमारी मदद के लिए तैयार होंगे।
सियासतदानों को हमेशा से ये गिला रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मुदाखलत की वजह से निज़ाम चल नहीं पाता, सियासी इस्तेकाम कायम नहीं होता, इसीलिए मुआशी मसाइल जन्म लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को इस बार जब्त करके सियासी जमातों को मफामत की तरगीब देनी चाहिए। अगर पार्लिमान की कुल जमाती कमेटी धांधली के बारे में कोई भी फैसला करती है तो इसे सब को मान लेना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का वजूद भी रियासत का मरहून मिन्नत है। अगर मुलक अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी का शिकार रहा तो बलाकर इसके मनफी असरात इन इदारों तक भी पहुँच जाएंगे। फिर रियासत में वो तोड़ फोड़ होगी कि अलामान वाल हफीज़। आखिर में अर्ज़ है कि हमने माजी में बहुत गलत फ़ैसले किए, अब अहले सियासत को आगे बढ़कर एक फ़ैसला अपनी मोहब्बत और नफरत को एक तरफ रख कर मुल्क के लिए करना चाहिए। अवाम ने वोट देकर अपना फ़र्ज अदा कर दिया, अब मुंतखब नुमाइंदों का फरीज़ा है कि वो मुल्क को बहरानों से निकालें। नवाज शरीफ सबसे तजर्बेकार सियासतदान है, वो इस हवाले से सबकत ले। इमरान खान ज़ाती तौर पर बहुत मकबूल है, वो भी इस हवाले से मुस्बत फ़ैसले करें। आसफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, वो भी इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई पर भी दोनों फरीकैन का एतमाद है, वो इलेक्शन दांधली के लिए मुनसब बनाए जा सकते हैं। अहल सियासत सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले खुद अपने हाथों में लें, वगरना इनके फ़ैसले दूसरे इदारे करेंगे जो इनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे।